വിശ്വമന്യൻ ഉപകാരവും സമഭാവം പ്രാശ്രണമംഗലാണ് സുപേസിം പരമം ഭവൈ മംഗളം ആദിമം രുദവിനാഥം ആദിമം നിഷ്പതിഗ്രഹം ആദിമം തീർത്ഥനാഥം ച ഋഷഭസ്വാമിനം પૂજાએ આવાજ આવે છે થોડોક થોડોક આવે છે ને થોડોક થોડોક કટ થાય છે આગળ પાછળ ચાલે છે ઇન્ટરનેટ ભક્તાંબર કી યશો ગાથા કો સમ समझते हुए देखते हुए जानते हुए आज हम सभी लोग दिव्यता भव्यता के साथ में विशिष्टतम भक्ति के आराधना के साथ में हम सभी लोग एक और नई चीज को देखेंगे जानेंगे समझेंगे और अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ना है, जीवन को सफलता की राहों में और आगे दिखाना है तो आपको बहुत सारे अलग 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 मंत्रों को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उसमें भी अति से पावरफुल जो एक टेक्निक है उस टेक्निक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कर्म थेरापी भक्तामर स्तोत्र के ऊपर भी जिन्होंने स्तोत्र की रचना की है वो स्तोत्र के रचयिता के जीवन में भी ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी कि उनको जेल में जाना पड़ा। यहाँ पर मैं 5-7 ऐसी जो विशिष्ट कोटि की घटनाएं है वो मैं आपको लिखाना चाहता हूं कि जिसको जानने से नहीं जानने से हमारे जीवन में काफी सारा अंतर पड़ता है। प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान, सभी लोग बराबर लिख लीजिए, 1 साल तक, परसों ही हमने भगवान का वर्षीतप के निमित्त विशिष्ट आराधना और भावधारा की है। विशिष्ट भावधारा के अंदर देखते हुए समझते हुए 1 साल तक परमात्मा को अंतराय कर्म का उदय हुआ जिसके कारण प्रभु को गोचरी नहीं मिली। कर्म का जब उदय आता है तो कर्म के उदय के सामने हमारा हीलिंग भी फीका पड़ जाता है। तो सबसे बड़ी बात हमको यही समझना है कि जितना हो सके उतना हम कर्मों का क्षय करेंगे। भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में भी 82 दिन तक, जब उनके जीवन में कर्म का उदय आया तब 82 दिन तक प्रभु महावीर स्वामी जी को भी देवानंदा माता की कुक्षी में रहना पड़ा। तीसरे नंबर की घटना खास 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 आप सभी को लिखनी है, समझनी है। अब क्या करें कि हम हमारे आई थिंक कुछ वहाँ पर नेट का इश्यू है तो गिव मी 2 मिनट्स। वहाँ पर निकुंज भाई फिक्स कर रहे होंगे इंटरनेट का इश्यू, तो फॉर दैट 2 मिनट्स आप सब नमस्कार महामंत्र का पाठ करें, तब तक वॉइस का जो भी है टेक्निकल चीज सॉल्व हो जाए। आवाज आवे छे पर बहुत आगळ पाछळ થાય છે અને વિડિયો પોઝ થઈ જાય છે। ઓકે તમે થોડી વખત અત્યારે ક્લાસ લઈ લો। હા સારું। અલગ અલગ બાતો કો સીખતે હુએ સમજતે હુએ જબ હમ હમારે જીવન મે આગે બઢ રહે હૈ જબ હમ ભક્તામર કી ભક્તિ કર રહે હૈ તો સાથ સાથ મે અલગ અલગ સિમ્બલ્સ કો હમને જાનના હૈ અલગ અલગ સિમ્બલ્સ કો હમને સીખા હૈ જિસકે અંદર આજ હમ થોડા સા રિવિઝન કરેંગે। फिर से एक हमारा ही सिंबल
सिद्धम का सिंबल, कि सिद्धम की आराधना करते करते आने वाले नौपत जी के दिनों में, ओली जी के मां मंगलकारी दिनों में हम सिद्ध चक्र जी की उपासना, नौपद जी की उपासना कैसे कर सके, और नवे नव पद का जो भावात्मक स्वरूप है अरिहंत सिद्ध आयरिय बजाय, उसको भी हम एक एक लाइन में सीखेंगे, जानेंगे। तो चलिए सिद्धम की पहले हम रिवीजन कर लेते हैं, तब तक वहां पर इंटरनेट इश्यू सॉल्व हो जाएंगे, फिर गुरुजी कंटिन्यू करेंगे और एंडिंग में मैं सिद्ध चक्र का कंटिन्यू करूंगा। तो बहुत सारी बातों को हमने जाना है, सिंबल्स अब क्या है हमें पता है, फिर भी एक बार ये जो सिंबल है, ये सिंबल है हमारी खुद की हीलिंग के लिए, ये सिंबल है जो हमें हमारी एनर्जी को हमारे खुद के ही ऊपर एकत्रित करने के लिए काम आता है। क्योंकि जब हम साधना करते हैं, जब हम अलग अलग ध्यान करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस जब हम हमारी ऑरा और चक्रास के ऊपर करते हैं, ऊर्जा के माध्यम से जब ये अलग अलग अनुष्ठान होते हैं, तब जो सिंबल है वो हमें प्राण देते हैं, सिंबल हमें एक आलंबन देते हैं, और उस आलंबन का यूज करते हुए उसका जो भी ड्राइंग है उसको एक पर्टिकुलरली जियोमेट्री के अंदर अरेंज करते हुए जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, तो वो जो शक्ति है वो एकत्रित होके हमें मिलती है। अब सिद्धम का सिंबल जैसे हम सब जानते हैं, फिर भी बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए खास ये पहली बार सिंबल आप लोग सीख रहे हैं। तो सिद्धम का सिंबल जब भी आप ड्रॉ करते हैं, ये स्पेशली आपका खुद की हीलिंग करने के लिए सिंबल है। खुद की हीलिंग यानी कि सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले हमें खुद को हील करना है। हील का मतलब क्या है? हीलिंग और हील शब्द हमें बताता है हैप्पीनेस, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड टुवर्ड्स द एंड गोल हमें अचीवमेंट चाहिए। सो लर्निंग, क्योंकि हम लर्न करते करते ही हीलिंग के फील्ड में आगे जा सकते हैं, हमारे जीवन के आध्यात्मिक उत्थान के अंदर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आज का जो गुरुजी का विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है, कर्म के ऊपर, कर्म की साइकिल क्या है, और कर्म की साइकिल जब धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा होती है, तो साइकिल को लेते हुए हम हमारे जीवन में उस हीलिंग की एनर्जी को ले सकते हैं। तो हैप्पीनेस हम सबको चाहिए, और हैप्पीनेस हमें जैसे ही चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो अवेयरनेस जब हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जब हमारा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होता है, तब थ्रू द लर्निंग, क्योंकि हमारे अंदर हमारे क्षमता क्या है हमारी जीव की या एज अ पर्सन, तो हम जीवन की पाठशाला के अंदर क्या है, हमेशा के लिए स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के तौर पे हमें लर्न करना है, और लर्न करते करते हमारे खुद हील करना है, वो एनर्जी को हमें टच देना है अपने आप के ऊपर। तो सेवन चक्रास को जब हम हील करते हैं, तब हमें क्या करना है, तो सिद्धम सिद्धम सिद्धम, जैसे कि हम यहाँ पर पामर हीलिंग जब भी करते हैं, हम सिंबल को एक बार ड्रॉ करते हैं और हम उस सिंबल का नाम तीन बार लेते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिद्धम की फर्स्ट लाइन आप वर्टिकली डाउन बनाओगे, सेकेंड लाइन भी ऊपर से नीचे जाएगी, और तीसरी लाइन हॉरिजॉन्टली आएगी, और सेंटर में तीन ढगली जो रत्नत्रयी की उपासना हमें सूचित करती है। तो जब भी आप ये सिंबल को बना रहे हैं, आप जैसे वन लाइन ऊपर से नीचे, लाइन नंबर वन, देन लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री एंड लाइन नंबर थ्री सर्कल, ये हो गया हमारा सिद्धम का सिंबल। और जब हम सिद्धम को ड्रॉ करेंगे हमारे चक्रास के ऊपर, तो हम चक्र को विजुअलाइज करेंगे हमारे चक्रास के ऊपर, तो हम चक्र को विजुअलाइज करेंगे, और उस विजुअलाइजेशन के पावर से हम मतलब हम तीन बार बोलेंगे सिद्धम सिद्धम बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल रूट चक्र के ऊपर, रेड कलर को विजुअलाइज करते हुए, रेड कलर को विजुअलाइज करते हुए
सिद्धम। तो मैंने ड्राइंग एक बार किया है और तीन बार बोला है, वैसे ही हर एक चक्रास के ऊपर हमें ये सिद्धम की एनर्जी देनी है और अपने आप को खुद को हील करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिविजन ऑफ सिद्धम। अब आई थिंक गुरु जी का नेट सही है, ऐ नहीं चलो ठीक है, मीटिंग हम कंटिन्यू करते हैं, दो मिनट में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो निकुंज गुरु जी जुड़ चुके हैं वापस, वहां पर अब सेट हो चुका है। तो अभी कर्म के साइकिल में और उनके जो भी टॉपिक है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और एंडिंग में हम नवकार मंत्र के नव पद के साथ सिद्ध चक्र जी की आराधना का क्या महत्व है वो फिर से मेरा छोटा सा 5 मिनट का लगता है। तो फिर से निकुंजेव से आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, और भक्ति की भावधारा में आगे बढ़ते बढ़ते रे कर्म तू सबको नचाता है। कर्म साहित्य नवपद जी की ओली जैसे ही आती है, और नवपद जी की ओली जीवन के अंदर बहुत सारे रंग, बहुत सारी भक्ति, बहुत सारी भावना, बहुत सारी जीने की रीत को सिखाती है। तो यहाँ पर हमें भक्त्यांबर की आराधना करते करते ये 5-7 जो लाइन है कि दुनिया के सर्वोत्कृष्ट जो व्यक्ति थे उनको भी कर्म ने नहीं छोड़ा है, जिसके अंदर पहले नंबर के अंदर युगादिदेव से आदिनाथ भगवान प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी थे, प्रथम राजा थे, प्रथम दीक्षाचर थे, प्रथम साधु थे, फिर भी उनको कर्म को भुगतना पड़ा है। उनको भी 400 दिन तक, 1 साल तक उनको भी गोचरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर हमें बहुत बहुत हंसते हंसते बांधे हुए कर्म रोते रोते भी हम चुका पाएंगे नहीं। दूसरे नंबर के अंदर भगवान महावीर स्वामी प्रकृष्ट पुण्य के स्वामी 25वें भव के अंदर जिन्होंने सैकड़ों वर्षी तप की आराधना किया, मासस कमण किया, उनको भी तीसरे भव में खाली अहंकार के अंदर एक वाक्य ऐसा बोल दिया जिसके कारण 82 दिन तक उनको देवानंदा के गर्भ में रहना पड़ा। तीसरे नंबर के अंदर भगवान ने भगवान की सेवा में दीक्षा लिया तो करोड़ों उनके सेवक थे, करोड़ों देव थे, लेकिन दीक्षा जैसे ही ली उन्होंने तो भगवान को 12.5 साल तक भयंकर उपसर्ग। और उस महावीर की आप संतान हो, ये सारी बातें मैं आपको इसके लिए सुना रहा हूं कि आपके जीवन में भी कमजोरी आए तो कमजोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, लिख लेना, सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र एक ही दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त किया था। ये जैन शासन की पूरी हिस्ट्री, जैन शासन की यशो गाथा, जैन शासन के लिए बलिदान की जो भक्ति के भावधारा है उसके अंदर शुभम चक्रवर्ती के जिनकी देवताओं जिनके सानिध्य में रहते थे, चक्रवर्ती के लिए लिखा हुआ है कि यो यदि आराधना करते हैं तो नियमा वो अपने जीवन को तार लेते हैं, और यदि दीक्षा नहीं लेते, आराधना नहीं करते तो उनको 7वीं नरक मिलती है। तो इसे शुभम चक्रवर्ती इतने देवता होने के बाद 7वीं नरक, आपके पास बहुत अच्छा बंगला है, आपके पास बहुत अच्छा रूप है, आपके पास बहुत अच्छे नौकर है, आपके पास एक बात बोलने में सैकड़ों काम होते हैं, यदि आप जगे नहीं है, ज्ञान योग, धर्म योग, भक्ति योग में जुड़े नहीं है तो हमारा भी क्या होगा, वो सबसे बड़ा प्रश्नार्थ है। सनत कुमार चक्रवर्ती, शक्ति मिली, सामर्थ्य मिला, बहुत सारे लोगों के पास टाइम रहता है, मोबाइल चलाते रहते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, और सनत कुमार चक्रवर्ती ने भी समय का उपयोग नहीं किया। 700 साल तक
16 प्रकार के भयंकर रोग उनके जीवन के अंदर आ गए। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कर्म किसी को नहीं छोड़ते, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये दुनिया के ऐसे बड़े बड़े दिग्गज पुण्य प्रचंड पुण्य के स्वामी, हजारों लाखों करोड़ों रुपए के स्वामी, जिनकी सेवा में साक्षात देवता थे, लेकिन वो नहीं संभले, वो नहीं जागृत हुए तो क्या हुआ? तो कि ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्ती को भी सातवीं नरक मिली और 16 साल तक अंधा रहना पड़ा। भगवान ने आपको आंखें सद्वांचन करने के लिए दी है, भगवान ने आंखों से जीव दया का पालन करने के लिए दिया है, लेकिन उन आंखों का पूरे दिन में आप 2-5 मिनट भी सदुपयोग नहीं करते हैं तो समझ लेना कि अगले जन्म में आंखें मिलने वाली नहीं है। जिन जिन लोगों को चश्मा है, उन सभी लोगों ने कोई ना कोई जन्मों के अंदर ज्ञान की पुष्कर विराजना की है और इसी के कारण हमारी आंखें धीरे 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 कमजोर हो रही है। तो इस समय में हम क्या करेंगे? तो कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की उपासना करेंगे। रावण जैसा, रावण रावण चरित्र के अंदर जैन महाभारत के अंदर बताया हुआ है, मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर के विजय माने एक अद्भुत पुस्तिका लिखी है और उसके अंदर लिखा है कि रावण के अंदर इतनी शक्ति थी, इतना ताकतवर था, इतना बुद्धिमान था, 99 ग्रह जिनको रोज सुबह में पानी पिलाते थे। तो ऐसा रावण जब राम का जन्म हुआ तब 1,000 राम को मारने का जिसके बाहु के अंदर ताकत थी, और फिर भी जो अहंकार के अंदर मैं हूं, और ऐसे रावण को भी लक्ष्मण की हाथ से मृत्यु मिली है। आपके हीलिंग पावर को कौन खत्म करेगा? सुबह सुबह में आप भक्तामृत से चार्ज तो हो जाओगे, अलग अलग प्रकार के सिंबल से तैयार भी हो जाओगे, लेकिन जैसे आपने कचरा निकाला पूरा घर साफ हो जाता है और वापस जैसे पवन आता है पूरा कचरा घर के अंदर आ जाता है। ये 2 लाइन बराबर लिख लीजिए कि सिंबल्स आप करते हो तो आपका शरीर शुद्ध बन जाता है, लेकिन जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया, लोगों की निंदा, लोगों की ठेठा, मस्करी, ये सब चीजों से आपकी भीतरी शक्तियों के ऊपर बहुत 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 असर होता है। कृष्ण के 56 करोड़ यादवों के मालिक होने के बाद भी उनका मृत्यु वन के अंदर होता है। चंदन बाला जिनके लोग अट्टम करते हैं, भगवान महावीर स्वामी जिनके चरणों, जिनके जो घर है वहां पर जाकर के उनको दर्शन देते हैं और गोचरी का लाभ देते हैं, लेकिन वो चंदन बाला का भी आप इतिहास देखेंगे तो रूप रूप की अंबार, करोड़ों की स्वामी राजकुमारी को भी बाजार में बेचना पड़ता है। खाली भक्तामर हिलिंग, हम भक्तामर जीवन प्रबंधन के लिए 9 दिन का पूरा ये हमारा शेड्यूल बन चुका है और उसके अंदर ये छोटी छोटी बातें कि जो भी आप इस धरती के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहंकार करें। जो चीज का अहंकार, मैंने मेरा ज्ञान का अहंकार किया, अगले भव मुझे ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मैंने मेरा रूप का अहंकार किया, अगले भव में कुरूप बनने वाला हूं। तो यहां पर बात है कि चंदन वाला को भी वहां पर बिकना पड़ा है। और एक बात समझ लेना, ये ध्यान करोगे, ये सिंबल्स करोगे तो उनकी ताकतें भगवान को अपने तक खींच करके लाएंगे, शक्तियों को खींच करके लाएंगे। लेकिन चंदन बाला के दृष्टांत से हमें सीखने को मिलता है कि सिर पर मुंडन है, हाथ में बेड़िया है, कोई एक पग रूम के अंदर है, एक पग रूम के बाहर है, जो भगवान ने संकल्प किया वही भोजन का पात्र है, वही भोजन की अनाज की चीज है, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो एक चीज की कमी के कारण भगवान घर तक आए और वापस वो चले गए। ये हिलिंग के शक्ति से आदिनाथ भगवान आपके भीतर तक आएंगे लेकिन भीतर के अंदर प्रतिष्ठा नहीं होगी। और इसीलिए शास्त्र में बताया कि असंख्य बार मैंने और आपने संयम को लिया है, दीक्षा को ली है, पवित्रता को पाला है, लेकिन थोड़ी चीजों के लिए, इतनी सी चीज के लिए, मेरु पर्वत 1 लाख योजन जितना लंबा हमने दीक्षा इतने ओगे इकट्ठे करो तो लिए है, लेकिन चूके कहाँ पर? थोड़ा सा संयम पालन के अंदर। तो ये जो हमारे पास 25 साल 30 साल का जो समय है,
ऐसे इसमें उत्कृष्ट कोटि का संयम का पालन करो, उत्कृष्ट कोटि का नियम का पालन हम करें, जिससे अवश्य में और नियम का पालन यानी क्या तो कि हृदय की निर्मलता। चंदन बाला के वहां जैसे ही वो आई, भगवान आप पधारे और भगवान को लगा कि यहाँ सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी है, मैं यहाँ से गोचरी नहीं ले सकता हूं। और भगवान जैसे ही गए, भगवान को आप मंत्र शक्ति से बुला सकते हो, भगवान को आप सिंबल से बुला सकते हो, भगवान को आप भावना से बुला सकते हो, लेकिन भगवान को प्रतिष्ठित करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, वो है आपके आंखों के आंसू। भक्ता हमारा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, एक श्लोक बोलो, दूसरा श्लोक बोलो, जैसे जैसे संगीत बदता जाए, दर 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 करके आंखों के आंसू की धारा बहनी चाहिए। और जैसे ही धारा बहेगी, यहाँ पर चंदना जी के जैसे ही आंखों में से धारा बही, चले गए प्रभु भी, वापस आ गए। और एक बार आप भी, आपके मंदिर में नवरात्रि के 9 दिन माँ के साथ एक संवाद करना है, माँ को एक प्रार्थना करनी है कि मेरे बेटे को शांत बनाना, मेरे पतिदेव को उत्तम तेजस्वी बनाना, उच्च बिजनेसमैन बनाना, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान नहीं बिक रहा है, जो जो भी कार्य रुके हुए है उनके पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ एक बार तो आप कुलदेवी माँ को बुला करके देखिए, एक बार तो अपने भगवान को प्रार्थना करके देखिए, अवश्य में अवश्य में अवश्य में प्रभु आने के लिए रेडी है। तो कि चंदन बाला जैसी राजकुमारी राजा बन गए तो उसका मतलब ये नहीं है, पूरा लूट जाती है, बिक जाती है, बिकना पड़ता है। तो कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आद्र कुमार, नंदीसेन मुनि, अरणिक मुनि, संयम को छोड़ना पड़ता है, दीक्षा लेने के बाद भी दीक्षा छोड़नी पड़ती है, यदि दीक्षा जीवन में हम स्थिर नहीं रहे। और द्रौपदी का जो दृष्टांत आता है, मन के अंदर एक बार अशुभ विचार कितना आपको गिरा सकता है। जबरदस्त कोटि की साध्वी बन चुकी है, साध्वी की साधना कर रही है, और एक गार्डन के अंदर गुरु महाराज, यहाँ पर एक बात आप लिख लो, गलतियां कहाँ होती है, क्यों कुछ लोगों के हीलिंग फलीभूत नहीं होते है। आपने जिसको भी गुरु माना है, आपके भीतर में पहले तो गुरु की प्रतिष्ठा करो, और गुरु के पूछे बगैर इतनी भी चीज करते हो, उस चीज का सीधा नेगेटिव रिएक्शन आपको या मुझे, मैं करूं तो मुझे भुगतना पड़ता है। द्रौपदी ने दीक्षा ले ली और गुरु महाराज को बोला कि मुझे एकांत में साधना करनी है। गुरु महाराज ने बोला कि एकांत में स्त्री को साधना नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं करूंगी, मैं बहुत शक्तिमान हूं, मैंने मेरे मन के ऊपर विजय ले लिया। गुरु से ऊपर जाकर जो जो भी गया है उनका महाविनाश, विनाश नहीं महाविनाश हुआ है। और द्रौपदी भी साधना करने के लिए जंगल में गई, बहुत समय तक साधना चली, और नंबर वन साधना, इतनी सूक्ष्म साधना, इतनी दिव्य साधना, लेकिन गुरु ने नाम बोला था। बस अभी कुछ ही समय में उनको विशिष्ट कोटि का ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, और वही गार्डन के अंदर एक ऐसी घटना घटित हो जाती है, एक युगल आ जाता है, और वो युगल को जब वो देखती है, वो देखने मात्र से पूरा विचार उसका चेंज हो जाता है कि मैंने इतने समय से यदि कोई विशिष्ट कोटि की जो जप किया, तप किया, जप किया, नियाणा धर्म करके धर्म के पास मांगना, तो कि मुझे भी इतने सारे पति का जो सुख है वो प्राप्त हो। और दूसरे भव में वो एक ही पांडव के गले में वर की माला डालती है, लेकिन अगले भव में वो गार्डन के अंदर जो संकल्प लिया था कि मुझे इतना सारा पति का सुख मिले, दूसरे भव में उनके जीवन के अंदर 5 पांडव की पत्नी बनने का उनका कर्म उदय में आया। गुरु ने मना बोला कि मत जा, यदि वो वहां पर स्थिर रह जाती तो अनंत कर्म का अक्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर सकती थी। तो कोई भी कार्य, छोटी सी छोटी चीज शुरू करते हो, अपने जो भी साध्वी जी मार साहेब है, जो भी साधु मार साहेब है, जो भी आपने गुरु माना है, जैसा गुरु बोलते, गुरु रात बोलते तो रात, दिन बोलते तो दिन। गौतम स्वामी जी भगवान 4 ज्ञान के धनी थे, लेकिन छोटा छोटा प्रश्न भी उनको होता था, हे भगवान महावीर स्वामी जी मैं क्या करूं, हे गोयम, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। और इसीलिए बोलते है विनय बड़ो संसार मा, विनय जो है वो सबसे बड़ा। हमारे भक्तामर इलर तो सारे विनयवान है, कुछ भी करते हैं तो पूछ के ही करते हैं,
लेकिन जो जो भी नए नए लोग जुड़े हुए हैं, विनय जहां पर नहीं है वहां वहां पर महाविनाश है। पिता बनने के बाद भी सुख नहीं मिल सकता है, हजारों माता पिताओं के फोन आ रहे हैं, मेरा बेटा क्रोधी है, मेरा बेटा तूफानी है, कंट्रोल नहीं करता है। आज ही एक फोन आया, सीए के हजारों लाखों रुपया स्कूल कॉलेज के अंदर भर दिया, अंतिम एक पेपर देना है, घर में छोटा सा टकराव हो गया, बेटी ने पेपर नहीं दिया, लाखों रुपये का पानी हो गया, वर्ष पूरा फेल हो गया, लाखों रुपए का पानी हो गया, और पूरी तरह से घर में इतना तनाव का वातावरण। आप अभी कितने भी सुधरने की कोशिश करो, आपके लिए कोई स्कूल फिर से तो एग्जाम रखने वाली नहीं है। यहाँ पर दृष्टांत आता है श्रेणिक का। भगवान महावीर के मुख के अंदर जिनका वचन हो, वाणी हो, विनम्रता हो, भक्ति हो, उस श्रेणिक को भी अपने बेटे ने जेल में पूरा था। और जेल में पूरा था वहां पर बात खत्म नहीं हो रही है, रोज उसको 100 कोरड़े मारता था। कोरड़े मतलब डंडे, जबरदस्त सटाक सटाक सटाक। और ये घटना ध्यान से सुनना, जो भी लोग दूसरे का दिल तोड़ देते हैं, रोज कोणी गाए और कोणी गा करके अपने पिता को 100 डोरडे मारे, और वो बाहर एक सेनापति रोज खड़ा रहता था, वो देखता था, उसका उसका दिल कांप जाए कि ये मेरे पहले के राजा और ये बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अपने बाप को मार रहा है। एक दिन ऐसा हो गया कि कोणिक को आने का कैंसल हो गया, कोणिक ने सेनापति को बोल दिया, कोणिक ने सेनापति को बोल दिया कि आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तू मार क्या, मन तो था नहीं, फिर भी राजा का आदेश था, इसके लिए वो गया। वो गया, एक मार रहा है, दो मार रहा है, तीन मार रहा है, 50 जैसे कुरडे मारे, वो सेनापति गिर गया, थक गया, और थकने के बाद वो राजा को विनंती करते 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 पूछता है कि राजन, मैं तो 50 मार के थक गया, लेकिन अब रोज 100 हंटर को कैसे सहन करते हो। तब जो उन्होंने मन की स्थिति की बात बताई है, हंसता हंसता बांध्या ते कर्म, रोता पण छूटता नथी। અત્યારે વહુ આપણું માનતી નથી, વહુ આપણું માનતી નથી ને પૂર્વકાલીન સમયમાં આપણે જે મારી સાથે એ જ વસ્તુ થાય છે કે જે મેં બીજા સાથે કર્યું છે, ક્યારે પણ બાજુવાળાના કર્મ આપણે ભોગવવા પડતા નથી। ચિંતન ઓર મનન કરને કા વિષય હૈ કે રાજા જૈસા રાજા હો, જિનકી અગ્નિ કે ધારા મેં સે વીર 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 જબ નિકલતા હો। और भક્તિ तो भक्ति कैसी, समर्पण की भक्ति, कि जिस दिशा के अंदर मेरे भगवान हो। आप कितना गिफ्ट किसी को दे सकते हो, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। प्रतिदिन श्रेणिक महाराजा तपास करे कि मेरे प्रभु कौन से पूर्व दिशा में है, मेरे प्रभु पश्चिम दिशा में है, तो उस दिशा के अंदर बैठ करके रोज रियल सोने का चावल का साथिया वो बनाता था। कितना समर्पण, प्रेम देखो, भक्ति देखो, स्नेह देखो, और जब उत्कृष्ट कोटि का आप समर्पण करते हो तो वही चीज भगवान के पास। आज ही एक भक्तामर इलर ने मुझे भेजा एक मैसेज कि भगवान के पास हम मांगने के लिए हजारों लाखों करोड़ मांग लेते हैं, लेकिन भगवान जब हमारे घर में आते हैं या हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, तब 100, 25, 50 की छुट्टी नोट पॉकेट के अंदर ढूंढने लगते हैं। दान देने में भी उत्कृष्टता को करनी है। और अंतिम बात यहां पर बताने की आ रही है कि सुदर्शन सेठ, जिंदगी में आपको ये सुदर्शन सेठ की जितनी भी हमारे भक्तामर हिलर है उन सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जिनको भी जीवन में कलंक आ रहा है, जिनको भी जीवन में आपने कोई गलती नहीं की है फिर भी आपको भुगतना पड़ रहा है, उन सभी लोगों को सुदर्शन सेठ की कहानी, सुदर्शन सेठ की जो स्टोरी है वो जरूर 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 पढ़ लेनी चाहिए। बिना कुछ करे ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर आड़ लगाता है, फिर भी मौन व्रत से वो सहन करता है कि यदि मैं बोल दूंगा तो राजा की रानी का भंडा फूट जाएगा, उसको यदि मेरा एक मुंह खुला तो सामने वाले की सजा निश्चित है। मेरे कारण इसीलिए मैंने परसों से प्रवचन में कहा था कि मेरे प्रभु ने तो ये कहा है, जियो और जीने दो तो कोई आम इंसान कह सकता है, मर कर भी जीने दो। सुदर्शन सेठ की जो घटना है
सुदर्शन से दूसरे के लिए सूली पर चढ़ने के लिए तैयार है, और उसी वक्त जब आप दूसरे का सोचते हो, पूरी प्रकृति आपके लिए सोचना शुभारंभ कर देती है। तो आज हम सभी लोगों ने कर्मों की जो जबरदस्त थेरापी समझी है, जानी है, जितना ज्यादा हमें अभ्यास ये हीलिंग के ऊपर करना है, जितना ज्यादा हमें अभ्यास ये सारे सिंबल्स के ऊपर करना है, उतना ज्यादा अभ्यास। और तीन चीज आप लिख लो, सबसे ज्यादा कर्मों का बंध मन से होता है। आपके मन में किसी के प्रति गाल आ रही है ना, तो फटाफट तुरंत बोल दो। सबसे ज्यादा पाप दिमाग से होता है, मन का पाप जो है वो माफ कभी नहीं होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का जो पाप लगता है वो वचन का है, सब मतलब सबसे ज्यादा। आप शरीर से कितने बटे आलू खा सकते हो, तो 1 किलो 2 किलो, लेकिन मन से 24 घंटा मन हमारा खा 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 कर सकता है। एक तंदूल यानी चावल के आकार का मछली एक बहुत बड़े मगरमच्छ के ऊपर जिसका जन्म होता है, उनका जन्म का पूरा आयुष्य 48 मिनट, और वो जो चावल के दाना जितना मछली खाली 48 मिनट सोचने मात्र से सातवीं नरक में जाता है। डिप्रेशन वाले को ज्यादा से ज्यादा क्यों हम भक्तामा रिलिंग कर रहे हैं, डिप्रेशन वाले को क्यों हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है? डिप्रेशन इस भव का नहीं है, डिप्रेशन वाला इंसान अपनी आगे की अनेक भवों की परंपरा खलास कर देता है। जैसे ही आपको पता चले कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है, उनको तुरंत 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 भक्तामर का कोई यंत्र है, सुरक्षा कवच यंत्र है, क्योंकि डिप्रेशन से प्रतिपल नेगेटिव कर्मों का जबरदस्त बंद होता है। वो मछली चावल के आकार की बहुत बड़े मगरमच्छ के मुंह के ऊपर ऐसे जन्म हो, और जैसे ही पानी आए तो हजारों मछले वो मगरमच्छ के पेट के अंदर चले जाते। मगरमच्छ का मुंह इतना बड़ा था तो इसे बंद करने में 5-10-25 सेकंड लगती थी। कर्म का बंध कितना खतरनाक होता है, और उस वक्त वो मछली आंखों के पापण के ऊपर बैठ करके सोचती है कि मगर कितना मूर्ख है, यदि इस मगरमच्छ की जगह पे मैं होती तो एक भी मछली को जाने नहीं देती, सबको खा जाती। ये विचार मात्र से उनको सातवीं नरक में जाना पड़ता है। आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी नोटें बनाई होगी, बहुत सारे प्रवचन सुने होंगे, 1-1.5 साल से रोज आप मुझे सुन रहे हो। आप लिखिए कि खास 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 मेरे मन में पूरे दिन में अच्छे विचार कितने आते हैं। जिनको ज्यादा बुरे विचार आते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तो बुरे विचार को आप सकारात्मक कैसे करें? कोई 5-7-10 लोगों ने आपको चीट किया है, कोई 5-7-10 लोगों ने आपको मारा है, कोई 5-7-10 लोगों ने आपके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है। यदि आपके मन में वही भाव रहा, मेरी देराणी ने मेरा मकान छीन लिया, मेरी देराणी गंदी है, मेरे काका के भाई ने मेरे पे कोस केस किया, मेरे कंकल ने मेरा सोना ले लिया, वो खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, ये चैत्री नवरात्रि के साथ नवपद जी की जो ओली है और उसमें भी जो पद आता है, सब पाप पणासनो नमो अरिहंतानम सब पाप पणासनो नमो सिद्धानम सब पाप पणासनो नमो आयरियाणम सब पाप पणासनो। पापों का प्रक्षालन करने का सर्वश्रेष्ठ दिन ये 9 दिन है। ये 9 दिन आप यदि बराबर साधना कर लेते हो, 9 दिन का आप ऐसा चार्जिंग, ऐसा जनरेटर अपनी बॉडी में डाल देते हो, मृत्यु के अंतिम समय तक आपकी समाधि को कोई डिगा नहीं सकता है, आपकी मुस्कान को कोई कम नहीं कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी भरने के लिए कर्म तारी गति न्यारी, जो जो भी कर्म हो चुके हैं उसका प्रायश्चित करते हुए, जैसे हमारा चातुर्मास की पहली जो आराधना है वो भव आलोचना है। तो आज वापस कि भक्तामर साधक की अंतर यात्रा क्या होगी, सुबह में जैसे वो भक्तामर का जाप करेगा, दिन में भक्तामर से महिलाएं जितनी है वो भोजन को प्रसाद बनाएगा, जितने भी पुरुष है वो पुण्य लक्ष्मी पुण्य ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे, शाम को भक्तामर की भक्ति की सौगात, जैसे हमारे जिग्ना बहन, जैसे हमारे पारुल बहन, विश्व के सारे भक्तामर हिलर अनेक लोगों को ये भक्ति शक्ति आराधना सिखा रहे हैं,
वैसे आपको भी इस आनंद को विश्व स्तर में प्रसार प्रसार करना है। और इस विश्व स्तर में प्रसार प्रसार करने के लिए आप सभी को लिए ये 9 दिन का अद्भुत सत्र, कल आखिरी दिन होगा, आज आप सभी के लिए भक्तामर स्तोत्र के 18 यंत्र एक हमारे भक्तामर हिलर ने मुझे भेजा है, आप सभी को एप्लीकेशन से व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप से हम सभी आपको भेज देंगे, एक एक व्यक्ति तक। आपके परिचित में एक भी स्टूडेंट ऐसा बचना नहीं चाहिए कि उनकी एग्जाम में अभी इस बार अल्पश्रुतम का शंखनाद घंटनाद उनके पूरे घर में गूंजता ना हो। वो कार्य आप सभी लोगों को करना है। तो यह उद्भूत भीषण जितने भी आपके परिचित है, कोरोना हो गया है, वीकनेस है, ताव है, सर्दी है, लो है, अलग अलग प्रकार का शुगर रहता है, डायबिटीज रहती है, अर्थराइटिस रहता है, कोई भी रोग है, तो ये 18 यंत्र में ऐसा जबरदस्त कोटि का डिजाइन है, मेरे आवाज में गाया हुआ पूरा भक्तांबर है। ये दो चीज आपके प्रत्येक व्यक्ति को भेज करके आप बहुत 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 पुण्य कार्य कर सकते हो, कर्म की निर्जरा कर सकते हो। तो आज हमने बेसिक ये सीखा कि मन के अंदर अतिशय कोटि के जितने भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं उनके ऊपर हम काम करेंगे, और उसमें आपको बहुत बहुत हमारा जो सिद्धम का सिंबल से ज्यादा से ज्यादा आप आज्ञा चक्र के ऊपर, सहस्रार चक्र के ऊपर ड्रॉ करेंगे, जो भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको सकारात्मक में कैसे बदले। मेरा बेटा क्रोधी है तो उनको हम मेरा बेटा शांत है, मेरा बेटा प्रेमाड़ है, मेरा पति इस धरती का सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कहीं पर आपको कोई कुंडली दिखाने की, इधर उधर कोई भटकने की जबती सब जरूरत नहीं है, आपके भीतर में ही इतनी पावरफुल शक्ति है, खाली आप उसको थोड़ा सा जागृत करो। और जैसे ही जागृत करोगे आपको टूक समय में उनका परिणाम दिखने को मिलेगा। रोज आप सभी लोग आ रहे हो, आज ये 9 दिन के सेशन के अंदर आप सभी लोगों को भक्तामर की वर्तमान समय की जरूरियत वाली जितनी भी गाथाएं हैं उन गाथाओं का 18 यंत्र आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सेकंड नंबर के अंदर कल आप सभी लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से, जिनको भी पता है या जिनको नहीं भी पता है उन सभी के लिए, सारे गुरु भगवंतों के पास जाकर के एक अद्भुत कुलदेवी माँ का यंत्र जो आप सभी लोगों को कल भी दिया जाएगा। तो आज का और कल का क्लास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे जानेंगे। और आज भी आप सभी के लिए हमारी पूजा बहन बहुत एक अच्छा सा विषय लेकर के आई है, वो भी आप सभी लोगों को विषय को लिखाएंगे, और आखिरी में 5-7-10 मिनट में भी आप कुछ लिखा करके आज का हमारा जो क्लास है यहाँ पर पूरा होगा। पूजा बहन जी, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत 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 सुंदर भावधारा के साथ आज हमने कर्मों की निर्जरा और कर्म की जो विशेष साइकिल है उस साइकिल में से कैसे हमारे जीवात्मा को हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे आलंबन है, पर जैसे आज गुरुजी ने बताया कि अलग अलग इतने महासंतों को, महामुनियों को भी जो कर्म निर्जरा करने में टाइम लगा है, तो हमें अब क्या करना है। हमारे जीवन के अंदर तो कष्ट बहुत है। मैं बोलूं किसी को भी अनम्यूट करके कि मुझे आपके कष्ट गिनवाओ, तो 5-7-10 लाइन तो धड़ 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 निकलेगी। पर अगर मैं बोलूं रेंडमली किसी को भी, कोई भी प्रिपरेशन किए बिना, कि आपके जीवन की हैप्पीनेस क्या है, आप किस चीज को ऐसा सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में, फिर वो कोई इंसान हो, फिर वो कोई वस्तु हो, फिर वो कोई परिस्थिति हो, तीन में से कुछ भी हो, पर आप 5 या 10 ऐसा लिस्ट दर दर बोलो, आप 1, 2, 3 अटक जाओगे, चौथे नंबर तक पहुंच नहीं पाते। क्यों होता है ये? इतने 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत कुछ उन्नति सबके जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है, पर इस उन्नति को, इस प्रगति को और ज्यादा गहरा करना है, और ज्यादा पक्का करना है, और हमारे जीवन में अध्यात्म के रंग को और बढ़ाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेहंदी का रंग जितना गहरा उतना अच्छा, तो वैसे ही जो हमारे जीवन में जैन धर्म की ऊर्जा की मेहंदी है वो हमें लगानी है, पत्तामर की ऊर्जा की मेहंदी। हमारे हाथों में से सुगंध कैसी आए, हमारे हाथों में से अब हम ऊर्जा तो देते हैं, सिखाया है हीलिंग के तौर पे कि आपको ऐसे उसको ऊर्जा देनी है, आपको सिंबल इस तरीके से ड्रॉ करने हैं, वो सब टेक्निकल चीजें अब सबको आती है, पर वो ऊर्जा की सुगंध क्या है। तो वो ऊर्जा की सुगंध है कि जब
आपके कार्य के साथ, आपके मन के विचारों के साथ और आपकी कार्य शैली के साथ। नवपद जी की आराधना, पंच परमेष्ठ की साधना और बक्तामर मंत्र जाप की एनर्जी का मिश्रण हो, तब जो सुगंध बनती है, तब जो सुगंध आती है, वो अपने आप में ही उत्तम द्रव्य की उत्तम सुगंध है। तो ऐसे नवपद जी की ओली हम करते हैं। नवपद जी का महिमा तो मतलब अवर्णनीय है, परंतु अगर मैं बहुत संक्षेप में नवपद जी के बारे में कुछ बोलना चाहूं, तो सच में ये सौभाग्य है कि नवपद जी और सिद्ध चक्र जी का, जो हम बोलते हैं सिद्ध चक्र नो गोटो, ये सिद्ध चक्र की साधना हमारे जीवन को रियल में उन्नत बनाती है। हमें जिस कर्म निर्जरा का भाव हमारे अंदर है, उस भाव को और ज्यादा मजबूती सिद्ध चक्र की साधना देती है। तो नवपद मतलब हमारा जो बाहर का आत्मा है, उस बहिरात्मा से अंतर आत्मा में जाने की केमिकल प्रोसेस। अब आप पूछेंगे केमिकल प्रोसेस, यहाँ पर कहा साइंस आ गया आपका? पर मेरा साइंस तो मेरे महावीर स्वामी जी देखे गए हैं, साइंस तो अभी प्रूव कर रहा है कि भोजन को प्रसाद बनाना, भोजन को अभिमंत्रित करने से जब हम कुछ व्हाइट कलर की चीज बना रहे हैं तो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम करना है। ये हम करते हैं और साइंस ने प्रूव किया है कि नमो अरिहंताणम करते हुए आपने जो भी व्हाइट कलर की चीज पकाई है, उसका जो न्यूट्रिशन पावर है वो नॉर्मल पके हुए खाने से 10,000 folded ज्यादा है। अब आप सोच रहे, वही चावल है व्हाइट कलर के, आपके घर में रोज पकते हैं, पर वही चावल जब नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम के साथ पकते हैं, तब उसकी जो एनर्जी है वो बनाने वाले को, खाने वाले को और घर के हर एक सदस्य को रियल में शुभ की, सकारात्मकता की ऊर्जा देती है। तो नवपद जी की साधना हमें करनी है कि हमारे बाहर के आत्मा से, बहिरात्मा से अंतर की यात्रा। हम बोलते हैं, मैंने बहुत बार बोला है, ये निकुंज गुरु जी ने भी बहुत बार बोला है कि भीतर के अंदर भगवान, भगवान हम सब में है, आत्मा हम सबका पवित्र है, खाली जगाना है, जागना है और दौड़ना है। तो उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें हमारे आत्मा को जब परमात्मा बनाने की एक केमिकल प्रोसेस करनी है, तो नवपद जी का ध्यान करना है। नवपद एटले के आराध्य, आराधक और आराधना का हृदयगमी त्रिवेणी संगम। कैसा त्रिवेणी संगम है? तो आराध्य मतलब पंच परमेष्ठी परमात्मा, आराधक यानी हम सब जो एक भक्ति की नाव में सवार है। हम जब जन्म लेते हैं, सांस लेते हैं इस धरती के ऊपर, तब भी हमारे कान में क्या गूंजता है? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धम, नमो आयरियाणम। तो ये पंच परमेष्ठ की ऊर्जा सबसे पहली सांस के साथ हमने इनहेल की है, तो हमारा जीवन तो सच में पवित्र है ही है। उसको और सरल बनाना है और सकारात्मक बनाना है, तो आराधक और आराधना का त्रिवेणी संगम। आराधना के लिए कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए, कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, कोई ऐसे खास पर्व तिथि विशेष दिवस चाहिए, तब वो संगम हमारे जीवन में होता है। तो नवपद के लिए बताया गया है कि नवपद एटले के अष्ट सिद्धि, नव निधि, 48 लब्धि और सर्व सिद्धि समृद्धि का मंगलमय आवास। हमें हमारा जीवन कैसा बनाना है? बहुत बार बहुत सारी बातें मैंने समझाई है, आपने सुनी है और आपने सराहना भी की है। सच में ये मेरे लिए भी प्राउड है कि आज मैं देख रही हूँ कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबकी जो एज है, मेरे नानी दादी उनकी एज के लोग भी जब मुझे पूछते हैं, मुझे कुछ बहुत बहुत एक ब्लेसिंग्स का फीलिंग आता है कि ये सच में कोई आशीर्वाद ही है जो अनुराधार बरस रहे हैं। तभी सब लोग जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं और उस चीज को अपना रहे हैं। तो नवपद की साधना हमारे जीवन में हर प्रकार की लब्धि, हर प्रकार की सिद्धि और समृद्धियों के अंदर मंगलमयता का आवास कराती है। मैं बारंबार बोलती हूँ कि बक्तामर हीलर के अंदर, जैनी के अंदर, अगर आप बोलते हो कि मेरा रिलीजियन जैन है, वो जो फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म के अंदर खाने होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स के अंदर हम टिक करते हैं जैन, तो अगर आपने टिक किया है कभी भी कोई भी स्कूल कॉलेज के फॉर्म में,
जैन के ऊपर, तो सबसे पहली बात है कि एक चीज हमेशा होनी चाहिए, वो है सच्चाई। कुछ भी करो लाइफ में, पर अपनी सच्चाई को मत छोड़ो, क्योंकि जो सही जैन है, हम जैन कहलाने के तभी लायक है जब हमारे अंदर क्लैरिटी है, जब हमारे अंदर ट्रुथ है, और वो ट्रुथ का पावर, सच का पावर हमें ऊंचा बनाता है। तो ऐसे महान ऐसे नौपद जी, और नौपद के अंदर सबसे पहला पद है श्री अरिहंत पद। अरिहंत पद यानी कि परोपकार की प्राप्ति। अरिहंत पद आप लिख सकते हैं, नव के नव पद। हम अभी बहुत अच्छे से नौपद जी की ओली करेंगे, एक एक पद की एक एक वर्णन करेंगे, एक एक साधना करेंगे, तो हमें पता तो होना चाहिए कि ये पद हमें किस परम पद पर ले जाने वाला है, क्योंकि अंत में हमारे साधना में फिर से बोलूंगी परम तत्व की प्राप्ति की है। हर आत्मा को जब जीवात्मा को जब परमात्मा बनने का चांस मिला है, बीइंग अ जैन, तो इस चांस को हम जाने देंगे नहीं। इस चांस का हमें 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, और वो यूटिलाइजेशन तभी होगा जब हमें पहले तो नव पद के नाम आते हो। बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस करते रहते, पूछते हैं, तो नवपद के नाम भी नहीं पता है। अरिहंत सिद्ध आचार्य इतना पता है, आगे का नाम भी नहीं पता होता। ये बहुत दुख की बात है, चिंता की बात है, कि जो जैन शासन हमें मिला है, शासन के अंदर इतना गूढ़ रहस्य दिया हुआ है। आप बड़े बड़े शास्त्र चाहे ना पढ़ सको, पर छोटी छोटी जो बातें हैं वो तो हमें पता होनी ही चाहिए। तो ऐसा पहला पद श्री अरिहंत पद की, जो देता है परोपकारकता, दूसरे के ऊपर उपकार करना, मदद करना, हेल्पिंग नेचर, वो है अरिहंत पद की उपासना की सार्थकता। तो श्री सिद्ध पद देता है हमें पूर्णता की प्राप्ति। पूर्णता तभी होगी जब रियल में महाविद्य क्षेत्र में जन्म होगा, रियल में दीक्षा होगी, रियल में हम कर्म साधना करेंगे, कर्म की निर्जरा करेंगे। कर्म साधना से मेरा मतलब है कर्मों को छोड़ना। तो हम जब कर्मों की निर्जरा करेंगे और निर्जरा करते करते परंपराए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, तभी वो पूर्णता हमारे अंदर आएगी। बाकी इम्परफेक्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा रह जाता है। तो सिद्ध पद की आराधना, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम का जाप मात्र और मात्र हमें करना है मोक्ष प्राप्ति हेतु, कि मुझे पूर्णता प्राप्त थाओ। हे अरिहंत परमात्मा, हे परम कृपाणु युगादि देवादिनाथ भगवान, तमारी भक्ति करता करता तमारू बल अमारी अंदर आवता आवता अमने केवू बनवू छे, हमें कैसा बनना है, तो हमें बनना है सिद्ध। हमें आपके साथ आपकी छत्र छाया में हर जन्म में स्थान चाहिए। ये खाली एक जन्म का, एक साल का, एक महीने का या एक मिनट का वचन नहीं है, वादा नहीं है। अगर साथ दिया है तो वो सात जन्मों जन्म तक चाहिए, जब तक मैं आपके साथ आपके बाजू में ना बैठूं, मोक्ष तत्व की, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त ना करूं, तब तक मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं। 1,25,000 भक्तामर और 1,25,000 उसगहरम और 1,25,000 नवकार मंत्र का जाप जो ऊर्जा देता है, जो शक्ति देता है। और इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि नवकार मंत्र का जितना ज्यादा 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 हम जाप करते हैं, उतना फटाफट हम सबको सब कुछ क्विक चाहिए। अब छोटा छोटा तो धीरे धीरे स्लो मोशन में अभी कुछ चलता ही नहीं है। स्लो मोशन के वीडियो भी अभी लोग कम पसंद करते हैं। वीडियो का भी मोशन क्या चाहिए, फास्ट। एनिमेशन देखो तो दाड़ दाड़ दाड़, जो फास्ट आए उसी में मजा आता है। तो वैसे ही फास्ट चीज चाहिए, फास्ट मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो जीवन में नमो सिद्धाणम का मैक्सिमम जाप करना है। तीसरा महत्वपूर्ण पद है आचार्य पद, और श्री आचार्य पद प्रवर्तन पदत्व है। मतलब प्रवर्तन, हमें हमारे जीवन में क्या लाना है, परिवर्तन लाना है। इतना हम लोग क्यों करते हैं, निकुंज गुरु जी इतना क्यों बोलते हैं, इतना क्यों मोटिवेट करते हैं? जो भी छोटा छोटा शास्त्र वो पढ़ते हैं तुरंत आके लाइव में बताते हैं। मैं इतना क्यों मेहनत करती हूँ कि जो भी ग्रंथ है, जो भी मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी कुछ टेक्निकल नॉलेज है, उसको मैं जैन धर्म के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ, मैं खुद क्यों पढ़ाई करती हूँ। हाँ, इसमें मेरा और निकुंज भाई का फायदा तो है,
कि हम लोगों का पुण्य अनुबंधी पुण्य बंध रहा है, इसके लिए रियल में हम लोग धन भाग्य है, बड़ भागी है। परंतु ये सब चीजें करने के पीछे, आप सबको मोटिवेट करने के पीछे भी एक रहस्य है कि प्रवर्तन होना चाहिए। प्रवर्तन का पदत्व यानी कि परिवर्तन। तो नमो आयरियाणम यानी कि आचार्य पद, और आचार्य पद हमें देता है प्रवर्तन। अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन आता है तो ही हमने जो सीखा 10 साल 20 साल 50 साल 80 साल तक हमने कुछ ना कुछ हर दिवस में सीखा है। आप खाली कंपेयर करना कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन। कल सुबह आप जब उठते हो जनरली 7 बजे, तो कल सुबह का 7 बजे से कल रात का 10 बजे तक का एक एक पॉइंट लिखो, फिर आज का दिन, आज का सुबह 7 बजे से रात के 10 तक का पॉइंट लिखो और कंपेयर करो। आप खुद बोलोगे कि कुछ भी सिमिलर नहीं है। हर एक क्षण जीवन हमें कुछ नया सिखाता है। तो वो परिवर्तन लाना है, परिवर्तन करना है, और उस परिवर्तन की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है? मंदिरों में, देरासरों में जा जाके 50 लोग 100 लोगों को प्रवचन देते रहने से परिवर्तन आएगा? कहाँ से आएगा? सही है सेजल बेन, परफेक्ट आंसर है, चेंज विद इन अस। सबसे पहला परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए, खुद में आना चाहिए। अगर खुद को बदला सकते हो, खुद को एक नए रूप में हर दिन देख सकते हो, तो आप रियल में संघ को बदल सकते हो, समाज को बदल सकते हो, और शासन सेवा के उन्नत कार्य कर सकते हो। और चौथा पद है, आज मैं 9 पद तो पूरे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम की कुछ बाउंडेशन है, कल कंटिन्यू के अंदर बाकी के पद लेंगे। तो चौथा पद है उपाध्याय पद, और उपाध्याय पद हमें देता है पाठन और पठन की एक एनर्जी, यानी कि हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का नाश। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा रियल में बहुत अच्छे से पढ़ता है, बहुत शांत है, बहुत कुछ उसको यू नो सब रिसोर्सेस मिले हैं, बुक्स मिली है, ट्यूशंस मिले हैं, सब कुछ है उसके पास। पर वो जो याद करता है ना, वो तब याद हो जाता है, बाद में भूल जाता है। और तब मैं बोलती हूँ कि शायद कुछ ज्ञानावरणीय कर्म हो सकता है। जो बड़े बड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे कर्म सूत्र सीखना है, कर्मवाद सीखना है, अलग अलग हमारे बहुत बड़े बड़े जो भी सूत्र है उनको सीखना है, पर मुझे याद नहीं होता है। भक्तामर सीखना चाहती हूँ पर भक्तामर पूरा याद नहीं हो पाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्षयोपशम क्या है, कोई ज्ञानावरणीय कर्म हमें रोक रहा है। तो उस ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा कैसे करी जाए? सबसे पहले तो माँ सरस्वती की साधना करनी ही करनी है। बीज मंत्र ओम एम नमः, ओम एम नमः का जितना ज्यादा जाप हो सके जीवन में करो। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर माँ सरस्वती की सिद्धि आए, तो ओम एम नमः, बड़े बड़े लंबे लंबे भले बहुत चमत्कारिक मंत्र है, पर सबका प्रणव बीज, सबका मूल बीज है एमकार, और एमकार विद्या से जीवन के अंदर अलग अलग विद्याओं की लब्धि हमें प्राप्त होती है। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, कुछ इतना सब पता चले ना चले, खाली ओम एम नमः, ओम एम नमः। तो पाठन पथत्व का पदत्व हमें प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय धीरे 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 उपाध्याय पद से प्राप्त होता है। और हम जो पढ़ते हैं, हम जो सोचते हैं, और हम जो ग्रास्प करना चाहते हैं, वो तुरंत कर पाते हैं। और सिद्ध चक्र जी के बारे में एक लाइन बोलू तो, सिद्ध चक्र सिद्धि आपे छे। सिद्धि, आप बोलोगे कौन सी सिद्धि पूजा बहन? और मेरा जवाब है, आपको जिस प्रकार की सकारात्मक पॉजिटिव सिद्धि चाहिए वो सारी। आप बोलो मुझे हेल्थ, मैं बोलूंगी हाँ। आप बोलो मुझे वेल्थ, मैं बोलूंगी हाँ। आप बोलो मुझे कि मेरे बच्चे बहुत शांत हो जाए, सेटल हो जाए, उनका करियर सेट हो जाए, मैं बोलूंगी हाँ। सर हर एक चीज में मैं हाँ बोलूंगी, क्यों? क्योंकि जब तक आपका संकल्प, आपकी बात सकारात्मक है, पॉजिटिव है, एक्सेप्ट करने के लायक है, तब तक ये सिद्ध चक्र जी हमें सिद्धि देते हैं। जो अनंत ऊर्जा है
पक्तामर मां स्तोत्र का तो हमने सिंबल दिया ही है, पर उससे भी 10 गुना पावर जिस यंत्र के अंदर, जिस मंत्र के अंदर है, वो है सिद्ध चक्र। और सिद्ध चक्र सिद्धि देता है, हमको सरल बनाता है, सीधा बनावे ते सिद्ध चक्र। सिद्ध भी बनाता है और सीधा भी बनाता है, सरलता भी देता है और हमें शुद्ध बनाए, सदगुरु का संग दे, वो भी है सिद्ध चक्र। तो बहुत सारी बातों को नवपद जी के साथ, सिद्ध चक्र जी के साथ हमने सीखा। आज हमने हाफ पार्ट कवर किया है, जो बाकी के पद है वो कल कवर करेंगे। और फटाफट से अंत में पूजा की प्रेरणा को लेते हुए कि कुछ कोटेशन, आई नो कोटेशन तो बहुत बार बहुत जगह पे हम पढ़ते हैं, सुविचार की तो बहुत सारी बुक्स भी है, सबके घर में है मुझे पता है, पर मुझे कोटेशन बोलने में क्या मजा आता है पता है, कि जब कोटेशन बोलते आप लोग भी ये ट्राई करना, कोई भी कोटेशन जब बोलोगे तो उसके अंदर लिखने वाले ने जो भावार्थ दिया है वो भावार्थ हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। हर बार क्यों बोलना है मेरे को पूजा की प्रेरणा, हर बार बोलती हूँ, आपने सोचा होगा कि पूजा बहन रोज बोलती है पूजा की प्रेरणा, क्यों बोलती है नहीं पता पर बोलती है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो कोटेशन के पीछे का भावार्थ है वो भावार्थ सभी तक पहुंचे, मेरे अंदर भी वो भावार्थ का रियल मीनिंग उतरे और आपके अंदर भी वो ऊर्जा का प्रसारण हो। तो अंतिम लाइन है कि जीवन में संघर्षों से मत घबराइए, जीवन में संघर्षों से कभी भी मत घबराइए, क्योंकि आखिर चंदन भी घिसकर ही खुशबू देता है और हीरा तराशने के बाद ही चमक देता है। चंदन का पूरा लकड़ी लेके रख दिया घर में तो सुगंध नहीं आएगी, चंदन को क्या करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, तब उसकी खुशबू आएगी। हीरा इतना रो मटेरियल में, जितने भी सूरती लोग होंगे उनको पता है हीरे का रो मटेरियल इतना बड़ा बड़ा आता है, पर इतना बड़ा कभी हीरा देखा है, नहीं होता है। रियल डायमंड आप लेने जाते हो ज्वेलर के, ज्वेलर्स के यहाँ, इतना सा छोटा सा, उसका भी प्राइस देखो लैक्स में करोड़ में होता है ना। तो जब वो रियल है, छोटा है पर रियल है, देखो सूक्ष्मता की शक्ति, भले सूक्ष्म हो भले अणु हो, पर उस अणु की शक्ति देखो, आपकी जेब में से 5 लाख जाते हैं, 10 लाख जाते हैं, तब वो एक हीरे का 9 लाख वाला हार रियल में आप ले सकते हो, राइट। सो हीरा जब तराशा जाता है उसके बाद ही उसकी चमक निखर कर आती है। तो परमात्मा पार्श्वनाथ की, परमात्मा आदिनाथ की अनंत ऊर्जाओं के साथ जीवन के अंदर बहुत सकारात्मक रहिए, बहुत खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने की प्रेरणा देते रहिए। इसी के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, निकुंज गुरु जी। बहुत ही शानदार बातें हमें पूजा जी ने आज सिखाई है, समझाई है, बराबर नोट में ले लीजिए। और कल का जो हमारा अधूरा विषय था, 3 लोगों ने ही जवाब दिया है, बाकी किसी के घर में भी झाड़ू है नहीं। बच्चों के ऊपर जबरदस्त रिसर्च चल रहा है, कैसे आपका बच्चा पावरफुल इस बार की एग्जाम दे सके, क्योंकि कई सारे बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, कई सारे बच्चों ने मेहनत करना बंद कर दिया है, इसीलिए क्योंकि ऑनलाइन ही एग्जाम लिखना है, तो हम देख देख करके लिखे या मेहनत करके लिखे या कई और लोगों के पास से लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। तो आज हमने जो कल विषय शुरू किया था झाड़ू के बारे में, झाड़ू का क्या साइंस है, झाड़ू का क्या विज्ञान है और क्यों आपके घर में नकारात्मक एनर्जी बढ़ती ही जाती है। तो पहले नंबर के अंदर आप लिख लीजिए, अलग अलग देवियों के अंदर जयष्ठा नाम की देवी का आयुध यानी अस्त्र शस्त्र जो हाथ में रखते हैं, वो अस्त्र शस्त्र जो है वो झाड़ू है। पहले नंबर की बात, झाड़ू का सीधा अर्थ होता है झाड़ना। जैसे आप हाथ ऐसे घिसते हो 2 मिनट के लिए, जैसे आप हाथ कभी कभी जो पूजा जी ध्यान आपको कराती है तो हाथ को ऐसे घिसा करके हम एनर्जी उत्पन्न करती है, तो एनर्जी हाथ को रगड़ने से होती है। जारे झाड़ू जो है वो डिस्चार्ज, आपकी एनर्जी को खत्म करना है तो उसके लिए झाड़ू से एनर्जी, और इसीलिए आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा मोर पंख से झाड़ू से उतारा भी किया जाता है नजर उतारने के लिए,
भाव को उतारने के लिए कोई भी चीजें आपके दिमाग में स्टोर कर गई है और उसको रिमूव करना है तो उसके लिए झाड़ू से नजर उतारी जा सकती है। हर चीज में कोई ना कोई एनर्जी रहती है। आप कभी एक्सरे निकालने के लिए गए होंगे तो आपको घड़ी है, इलेक्ट्रिक चीजें हैं, वो बाहर निकाल करके बोल देंगे इसको बाहर निकाल दो। इलेक्ट्रिक चीजें यदि अंदर लेके चले जाओगे तो जो एक्सरे का मशीन है वहां की जो सिस्टम है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो झाड़ू से कई सारी चीजें, कई सारी नकारात्मक एनर्जी, बच्चों में जीत आना, बच्चों के अंदर गुस्सा आना, घर के सारे कार्य को रुका देना, तो खास 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 कभी भी पहला नियम, पांच चीजें झाड़ू के लिए मैं आज आपको लिखाना चाहता हूं। झाड़ू को कभी भी खुले में रखना नहीं है, किसी की भी नजर पड़ जाए वैसी जगह पे नहीं रखना। अभी तक जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उनको खुले में रखोगे झाड़ू हमेशा नेगेटिविटी को फैलाता है, तो उसको खुले में नहीं रखना है। दूसरे नंबर में कभी भी, बहुत सारे लोग जहां चप्पल रखते वहीं झाड़ू को रख देते हैं, तो झाड़ू को भूल से भी पैर नहीं लगाना है। गलती से भी पैर लग जाए तो पानी से आपको धोना है, क्योंकि झाड़ू के अंदर नकारात्मक एनर्जी बहुत होती है। और गलती से भी आपका, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि झाड़ू को पैर लगाने से लक्ष्मी चली जाती है, वो उसके पीछे रीजन नहीं है। जैसे ही आपका पैर झाड़ू को टच होता है आपके अंदर नेगेटिविटी का प्रमाण हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कोई भी एनर्जी का, जैसे गर्म नीचे की जो जगह जमीन है वो गर्म है, आप पैर रखोगे तुरंत उसका अनुभव होगा। कभी भी खुले पैर आप कांच के ऊपर नहीं चलोगे। कोई भी झाड़ू भी आप लेते हो तो झाड़ू जब हाथ में लेते हो तो वहां पर कोई ना कोई रेपर लगा हुआ रहता है, प्लास्टिक का कवर लगा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर एल्यूमिनियम की वो लगी रहती है। डायरेक्ट झाड़ू को स्पर्श करना नहीं है। जिसको दरिद्रता बढ़ाना है, जिसको कामों के अंदर रुकावट लानी है, तो इसीलिए, और डायरेक्ट यदि आपके शरीर के ऊपर बारंबार बारंबार झाड़ू स्पर्श होता है तो स्किन प्रॉब्लम, चमड़ी का खुजली का प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो पूरी कोशिश करना कि आपके पैर डायरेक्ट झाड़ू को टच न करे। तीसरे नंबर की जो बात है, कहां पर रखे, तो कि झाड़ू के लिए शास्त्र के अंदर बताया है कि साउथ वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में रखना है, नैऋत्य कोण, साउथ वेस्ट, राहु का जो स्थान है। तो आपके जीवन से दरिद्रता भाग जाएगी, बीमारियां भाग जाएगी, जो बहुत समय से रुकावट है वहां पर आपको बहुत सपोर्ट होगा। और हर घर में दो झाड़ू होने चाहिए। जो आप घर के अंदर साफ सफाई करते हो वही झाड़ू से आपको मंदिर साफ करना नहीं है, मंदिर के लिए अलग पूरा झाड़ू रखना है आपको खास करके। उसके बाद शाम के समय, आखिरी बात, कभी भी शाम के, संध्या, जैसे मान लो 6 बजे सूर्यास्त होता है तो कभी भी 5:30 बजे 5:45 बजे सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं निकालते। पूछे क्यों नहीं निकालते हैं? सूर्यास्त के समय झाड़ू नहीं निकालना है तो सब 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 बोल रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हर चीज के पीछे उसका जो यदि रहस्य आप जानोगे तो आपको बहुत 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 आनंद आएगा। तो कि जैसे ही पूरा दिन हमारे घर में सूर्य की ऊर्जा रहती है, हमारे घर में पूरा दिन सूर्य की ऊर्जा रहेगी और संध्या के समय जैसे आप झाड़ू निकालते हो, शाम को चांद निकलता है, सूर्य की सारी पॉजिटिव एनर्जी घर के बाहर चली जाती है। इसके लिए रात को उत्साह की कमी हो जाएगी, खुशियों की कमी हो जाएगी। जैसे पति घर पे आएगा थका पुका रहेगा, सोफे के ऊपर बैठेगा ना बातचीत करेगा, 10-15 मिनट बैठ के तुरंत वो सो जाएगा, तो आपके घर की सकारात्मक, आपको शाम को झाड़ू निकालना है 4-5 बजे निकाल दे, सूर्यास्त होने से 1-2 घंटे पहले आप निकाल दीजिए। लेकिन सूर्यास्त के समय कभी भी हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकालनी नहीं है। तो झाड़ू का अभी आपको बराबर चेक कर लेना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में आपने नेगेटिविटी रखी है, आप लाख कोशिश करेंगे, लाख हीलिंग लेंगे, लेकिन आपका बच्चे के दिमाग नहीं बैठेगा, भागा दौड़ी करता रहेगा। अग्नि कोण के अंदर आपने रखा हुआ है, पैसा आएगा सटासर सटासर चला जाएगा। झाड़ू जहां पर है वहां पर नेगेटिविटी है। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नैऋत्य कोने के जगह जगह से अलावा
कोई भी जगह पे अपने को झाड़ू रखनी नहीं है। तो आप पूरे घर में बराबर चेक कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि छोटा सा प्रयोग आपको समझ में आए, आप आपके जीवन में प्रैक्टिकल उतारे, और ये प्रैक्टिकल उतारते उतारते कुछ आपके बच्चों की जीत, तनाव, चिंता दूर हो करके वो फ्रेशनेस बने, ज्ञानवान बने, क्रियावान बने, संस्कारी बने, और इस समय इस साल का उनका परिणाम भी अच्छा आए, मन से वो स्वस्थ बने, मोबाइल आदि के लत में से मुक्त बने। उनके लिए वेस्ट में भी रख सकते हैं, साउथ में, वेस्ट में नहीं रख सकते, साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है, यदि कोई नई ऑप्शंस हो रहा है तो आप आपके घर में कंपास के हिसाब से आप सब लोग देख लीजिए, सबसे बेहतरीन दिशा ये है। उसके बाद आप साउथ में भी रख सकते हैं और वेस्ट में रख सकते हैं, तो पहली कोशिश आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर ही करना है, क्योंकि राहु का स्थान वो ये जगह है। तो इसी प्रकार से ये छोटा सा प्रयोग करते हुए और कर्मों को समझते हुए, बच्चों को ज्यादा डांटने की जगह बच्चों को ज्यादा हम प्रेम करेंगे, बच्चों को ज्यादा हम सम्मान करेंगे, बच्चों को ज्यादा भक्तामर की छठी गाथा सुनाएंगे। ये जो 18 यंत्र का संपुट है उसके ऊपर पानी रख करके रोज उनको पिलाएंगे, अवश्य में आपने जो चाहा होगा उनसे भी कई गुना अच्छा रिजल्ट आप सभी लोग प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ में चिकना बेन की जबरदस्त भक्तामर भक्ति धारा बहुत जोरदार चल रही है। सैकड़ों लोग 13 तारीख से शुरू आने भक्तामर रिलिंग कोर्स में जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, खास करके छठी गाथा के लिए। ये मैं आपको यंत्र इसके लिए जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है कि आप सभी लोगों को छठे नंबर की गाथा का, सरस्वती यंत्र का, सरस्वती मंत्र का, सरस्वती भक्ति का जितना हो सके उतना प्रचार करना है। जो जो भी ऐसे छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे लोगों के पास भी आप भक्ति को पहुंचाए, ज्ञान को पहुंचाए। और इसी के साथ में 21 तारीख से 30 तारीख हम सभी लोग, वापस कल आखिरी दिन है, हम सभी लोग साथ में मिलकर के सरस्वती साधना करेंगे। और एक स्पेशल कल आखिरी दिन है, कल कुलदेवी माँ के बारे में विस्तृत जानेंगे, परसों से 2 दिन एप्लीकेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे विदेश के लोगों की विनंती आते हुए तारीख 10, 11 और 12, तारीख 10, 11 और 12 तारीख को 180 देशों में लाइव रात को 9:40 पर पारस चैनल के ऊपर 3 दिन के भक्तामर मास्टर क्लास, कैसे आप 3 वीडियो देखते हुए भक्तामर के मास्टर हीलर बन सकते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाइना में हो, बैंकॉक में हो, दुनिया भर के कोई भी देश में हो, तो पारस चैनल के अंदर 10, 11 और 12 तारीख को एक अद्भुत भक्तामर आराधना, भक्तामर रिलिंग का स्पेशल क्लास रखा हुआ है। तो ज्यादा से ज्यादा उस आराधना के अंदर जुड़ना है। और आखिरी में जब अगली बार नमस्कार महामंत्र का अद्भुत जाप जनवरी महीने के अंदर भाईंदर के ग्रुप ने रखा था, नवकार मंत्र की यशो गाथा, आपका शक्ति, आपका सामर्थ्य, अभी भी वो बहुत सारे लोग हैं जो संपन्न है, आप आपके ग्रुप में, आप आपके समूह के अंदर जरूर जरूर ऐसे भव्य आयोजन करो। उन्होंने एक एक शिविर का आयोजन किया 2 घंटे की, करीबन 80 लोगों ने 1-1 लाख नवकार मंत्र का संकल्प लिया और 80 लाख नवकार मंत्र के संकल्प के पुण्य भागी वो बने। भक्तामर तो आप सभी को लर्न करना ही है। अभी जैसे पूजा बहन रोज अपनी नवपति की साधना सिखा रहे हैं, तो हमको खास संकल्प करना है कि ये नवरात्रि के बाद चैत्र महीना की ओली जी में मैं भी संकल्प लूंगी कम से कम 1.25 लाख नवकार मंत्र मैं मेरे आत्मा के उत्कर्ष हेतु गिनूंगी। तो उसका भी जिनको भी संकल्प लेने की भावना है, अभी से धीरे 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 मन बनाना शुरू कर दीजिए, और आने वाले समय में चैत्री ओली जी के अंदर हम सभी लोग नौकार के भक्त बने, नौकार के सेवक बने, नौकार के रागी बने, और नौकार उपासना करते करते नौकार मई पंच परमेष्टि स्थान नमो सिद्धाणम सिद्ध पद को प्राप्त करें। यही भावधारा के साथ जिनाकनो बोला हो इच्छामि नुकरम, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए कमर से डट्टार हाथ बराबर जोड़िए। आप पंच परमेष्टि मई बन चुके हैं और आपका स्थान पंच परमेष्टि मई बनने के लिए आज से स्टार्ट हो चुका है। हम सभी लोग नवकार के जबरदस्त साधक बन चुके हैं। तो यही भावधारा से बुलंद आवाज से बोलते बोलते अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा।
सहारा कोई नहीं, अबे और सहारा कोई नहीं, आचार सहारा मेरा है, आचार सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अबे और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिन शासन की खूब भक्ति करते रहिए, और इसी भावधारा में सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी आराधना में भक्ति कर रहे हैं। खास करके आज सीमा जी आए हैं, सीमा जी, कौन सीमा से सेठिया, सीमा? देखते हैं, हाँ है, बोलिए सीमा नमन जी, करिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र निकुंज गुरु जी, जय जिनेन्द्र पूजा बहन, जय जिनेन्द्र। जब से हम लोग अज्ञान अनुष्ठान से जुड़े हैं हमारा जीवन ही बदल गया है। आप और पूजा बहन ने जो सिखाया है हमको, हर रोज जीवन हमारा बदल ही रहा है, बदल ही रहा है। गुरु जी इतना ज्ञान में भर पड़ गया है, हर रोज नया बन गया है। बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हर रोज हम वेट करते रहते हैं जैन अनुष्ठान के प्रोग्राम के। कितनी गाथा आती है आपको सीमा जी? भक्तांबर बचपन से ही लर्न किया हुआ है, मम्मी ने लर्न कराया था, धीरे 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 उसके बारे में जानते गए, फिर हर रोज हम जैन अनुष्ठान, मतलब एक साल से हम देख रहे हैं ना गुरु जी, तो आत्मविश्वास इतना बढ़ गया, और आपका मार्गदर्शन मिलके हमने ना पुणे में सेंटर चालू कर लिया है ऑनलाइन। मैं सीमा जी आपको एक चीज पूछना, जानकारी के लिए और हमारे हजारों दर्शकों के लिए। जैसे आपने अभी मुझे बोला कि बचपन से आपके मम्मी ने आपको सिखाया था, बराबर, तो जब से आप जैन अनुष्ठान के साथ में नहीं जुड़े थे, तब आप भक्तामर बोलते थे, तब आपको क्या अनुभव होता था, और एक साल से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? पहले भी आप बोलते ही थे और आज भी आप बोल रहे हो। पहले बोलते थे गुरुजी, तो वो एक सिखाया गया था, एक स्तोत्र है, जैन धर्म का स्तोत्र है, और वो 46 गाथा मुझे बहुत अच्छी लगती थी पढ़ने में, तो मैं पढ़ती थी, तो मुझे रोज दिना में जो कुछ प्रॉब्लम आते थे ना, वो छोटे छोटे से सॉल्व हो रहे ऐसे लगता था, पर ये विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे जैन अनुष्ठान से जुड़ी ना, तो आपकी बातें सुन सुनकर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ गया है मेरा। हर गाथा में कुछ ना कुछ नया है, हर गाथा का एक उपयोग है, और हर किसी को भी इसका फायदा हो सकता है अगर वो रोज पढ़े तो। एक विश्वास जैन अनुष्ठान को जुड़ने के बाद हो गया है। आपने अभी तक किसी को हीलिंग दिया है? हाँ गुरुजी, हमारा मैंने बताया, हमने एक पुणे में सेंटर खुला है, श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, तो उसमें वो एक ग्रुप में 150 लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग हर रोज 3 से 4 हीलिंग देते हैं, जो भी अस्वस्थ है उन लोगों को, और उनके अनुभव भी हमारे साथ उन्होंने शेयर किए कि उन्हें कैसे बदलाव फील हुआ है, कैसे ठीक हुए हैं, किसी का भाई मिल गया है, बहुत कुछ अनुभव शेयर करते हैं। फिर हमने
उसके बाद हमने मेडिटेशन चालू किया 3 से 4 शनिवार को, जिसमें चक्रों पे मेडिटेशन लिया जाता है। फिर हमने बुधवार को 3 से 4 भक्तामर सिखाना चालू किया है। कल से ही पहली गाथा ली, उसका अर्थ समझाया, कैसे भक्तामर बना वो सिखा बताया, फिर उसकी कहानी जो जुड़ी हुई है, हर गाथा के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है वो कहानी बताई, कैसे प्रोनाउंस करना, कैसे काव्य रूप में गाना, उसके क्या उपयोग है, हर चीज बता रहे हैं गुरुजी। वो सब 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 आपके मार्गदर्शन पे हो रहा है। कितनी खुशी मिल रही है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे हो गया है कि हमारा जीवन ही बदल गया है। हम चलो लोग बहुत सरपंचन है बहुत पूना बहुत में, सीता सिंह भी, नीता दीदी भगोड़िया, फिर स्नेहल हाँ चोरिया, मैं, हम लोग सब मिलके छोटा सा कार्य शुरू किए, पर बहुत बड़ा सपना लेके शुरू किए हुए। आज सबको हर कौन सी घर गुरु सुनाओगे? भक्तांबर पहुंचाए, और हर एक के मुख में भक्तांबर है, ये सपना लेके चल रहे। कोटि कोटि प्रणाम। आज सबको कौन सी गाथा सुनाओगे आप? पहली गाथा सुनाऊंगी, सुनाइए। भक्तामरा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतकं दलित पाप तमो पितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनं भव जले पतताम जनाना। कोटि कोटि प्रणाम सीमा बेन। बहुत आनंद हो गया कि आप जैसे महान व्यक्ति हमारे साथ में जुड़े हैं, और आपकी भीतर की जो भावना है कि हजारों लाखों लोग, पूरा महाराष्ट्र बराबर, और ऐसी शक्ति दे के पूरा विश्व आपके मंडल के साथ में जुड़े। अभी 150 है, आने वाले समय में हजारों की संख्या जुड़ जाए बराबर। फेसबुक का पेज नहीं बनाया आपने? बनाए गुरुजी, अभी बनाएंगे। बस बना के जब एक बार यहाँ ग्रुप में जाहिरात कर देना, तो और भी जितने भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो सभी आप लोगों के साथ में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सीखे और आपकी सेवाओं का लाभ ले। ओके बस ऐसे ही आपका आशीर्वाद रहे प्रणाम। गुरुजी। पूजा बेन, आपका भी आशीर्वाद हम पे ऐसे ही रहे। धन्यवाद। जरूर जरूर, हमेशा हम लोग साथ में ही है सब, और आपका कार्य सच में अनुमोदनीय कार्य है। बहुत जहमत लेके आप ये सब कार्य कर रहे हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ज्यादा लोगों के लाइफ तक पहुंचो, बहुत लोगों को इस एनर्जी में जोड़ो, और इस एनर्जी की फीलिंग आपके माध्यम से सभी लोगों को, ये शुभ मंगलकारी कामना। धन्यवाद बेन, धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे आपका। थैंक यू जी। सुजाता जी ने कर दो जमीन। अनम्यूट था सुजाता। हो गए। वीरेंद्र प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। केम छो? प्रणाम पूजा बे। प्रणाम। हमारे आदास्तम, हमारी हम लोगों को हिम्मत देने वाले, और हमारे दो आंखें, मतलब निकुंज गुरुजी और पूजा बेन, इतना धन्यवाद दू, मतलब शब्द ही नहीं है। अभी तो सीमा जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि कैसे कैसे कार्य चल रहा है, और गुरुजी इसके लिए मैंने आज हाथ रेज किया है कि आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे इतनी शक्ति दो कि घर घर में भक्तामर पहुंचाना है। खूब 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 खूब। हमने पूरा हमारा भक्तामर ग्रुप आप सभी लोगों को विश कर रहा है और खूब ब्लेसिंग दे रहा है। हमारे सुधा जी इतनी एक्टिव मेंबर है, और अभी तक सबसे ज्यादा पूरे महाराष्ट्र में ऐसी टीम बनाई है, एक एक व्यक्ति को, लोगों को जोड़ रही है। तो मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे टू यू, और खूब जो अगले साल के लिए काम किया उनसे भी दम लगा करके आने वाले समय में भक्तामर की भक्ति सुगंध को लहराना है बराबर। ऊर्जावान होके करना है बस। 100% होगा, जब ठान लिया है तो होगा ही, होगा ही, होगा ही। और दो आंखें में हमारे साथ में तो होने वाला ही है। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। पारुल बेन छे आपड़ा कोलकाता वाला, अनम्यूट था पारुल बेन।
प्रणाम निकुंज गुरु जी, प्रणाम पूजा प्रणाम। बहन। एक भूलाई गई थी मारे वात, बहु अगत्यनी छे। लगभग 2 महीना पहला मारो भत्रीजो सीए नी एग्जाम आपी रह्यो हतो। अचानक एक दिवस एकदम सीवियर डिप्रेशन के हूँ रड़वा मंडियो ने कि मारे हवे एग्जाम आपवी ज नथी, मुंबई रहे छे। तो मार देराणी नो फोन आव्यो के भाभी आम वात छे, शू करू। मैं तरत कीधु कई वांधो नहीं तू बेस, अने गुरुजी ने एने डिस्टेंस हीलिंग आपी। विदिन 5 मिनिट में मारा देराणी नो फोन आव्यो कि भाभी एकदम बेटर फील करे छे अने अमे नीचे राउंड मारवा जावी। ए दिवस थी मैं एने लगभग 15 दिवस एग्जाम चाली, रोज डिस्टेंस हीलिंग आप्यु। अने गुरुजी एने फर्स्ट अटेम्प्ट मा ए छोकरो सीए बनी गयो छे। तो अच्छा आदिनाथ भगवान की जय। छोकरा नो मने फोन आव्यो के काकी ए रोज पूजा कर्या वगर मोढ़ा मा पानी पण नाखतो, पण एनो फोन आव्यो के काकी आटलो बधो पावर होय हीलिंग मा, ए मने आजे पहली वार खबर पड़ी। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू पूजा बेन अमने आ शीखवाड़वा माटे टेक्निक। અને આજની તારીખમાં દર દિવસે ધ્યાન કરતી વખતે બંને હાથમાં ઉર્જા અનુભવાય છે, ઇવન દાદાના દર્શન કરતી વખતે પણ। થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ, ખૂબ 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 ધન્યવાદ પારુલબેન, થેન્ક યુ। બીજું કહો, ઓલ ઇઝ વેલ, ઘરમાં બધા મજામાં છે? બધા એકદમ ગુરુજી એકદમ। મારા દાદા જ મારા સસરા છે 85 ને, એ રોજ તમને મન કે ક્લાસ નથી જો ચાલતું ન, મન કે કેમ આજે ક્લાસ નથી તમારો, અવાજ નથી સાંભળતા ગુરુજીનો એમનો। અત્યારે ગુરુજી એક પ્રોબ્લેમ મારે થાય છે, એમને હું સાંજે 5 થી 6 રોજ 12 રાઉન્ડ મારવા લઈ જાઉં, એટલે મારે જરા ક્લાસ માં પ્રોબ્લેમ થઈ જાય છે। ના બાચું, આપણે ધીમે ધીમે બધું કરીએ છીએ ચેન્જીસ। આ તો એકવાર ટ્રાયલ માટે બધું કરેલું હતું, બરાબર છે, અને પાછું એ બધું નવું, અને બધા એપ્લિકેશન પાછી અપડેટ કરી દેજો। આગળ ઘણા બધા પ્રોગ્રામો લાઈવ આવી રહ્યા છે અને બધાને ફાવે એ ટાઈમે આપણે કરી રહ્યા છીએ। ભલે ભલે, ખૂબ પ્રણામ બારુલ બેન, ખૂબ તમારા બેન ને અને બધાને યાદ કેજો, ઓકે? જરૂર 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 જરૂર, ચાલો। શોભા બેન, હેલો હેલો, જય જીનેન્દ્ર। હા જય જીનેન્દ્ર પૂજાબેન અને નિકુંજ ગુરુજી, મેં તમારું હમણાં જ જોઈન કર્યું છે, આ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ નો આ નંબર થી। હું 1986 થી ભક્તામર કરું અને ઘરમાં એટલા બધા ઉપદ્રવ થાય કે એની કોઈ હદ નહીં, અને રોજ પછી મારા સાહેબ પાસે જઈને ડિસ્કશન અને ભક્તાંબર કડીઓ તૂટે પણ મારી તો કડીઓ બંધાઈને નવી નવી ચાલુ થઈ રહી છે। પછી હમણાં ચાલુ કર્યું મેં 15 ડિસેમ્બરે, 3 દિવસ કન્ટિન્યુ રડી છું, અને મેં કીધું હવે મારે ભક્તાંબર નથી કરવું। પણ પછી આદેશ્વર દાદાની મને કોઈ અરુણોદય સાગર મારા સાહેબે પ્રતિભાજી આપી છે, તો એમને મતલબ ચેલેન્જ કરી ભગવાને, મેં કીધું ગમે તે થાય મારી જે પરીક્ષા લેવી લો, પણ આ વખતે હું ભક્તાંબર નથી છોડવાની। એના પછી મારું હમણાં સુધી ભક્તાંબર કન્ટિન્યુ છે, અને તમારું મેં હમણાં જ જોઈન કર્યું, પણ કલ્પુએ તમને ફોટો મોકલેલો, 44 દીવાનું અનુષ્ઠાન કરેલું મેં 4 જાન્યુઆરીએ, બરાબર છે। હા, તો એના પછી હવે મને હું બેટર ફીલ કરું છું, મારા હસબન્ડ ને કિડની ની પ્રોબ્લેમ છે, તો 15 નંબર અને 6 નંબર ની ગાથા, પછી 17 નાસ્તમ કદાચી અને ઉદ્ભુત ભીષણ એનું પાણી કરી અને આદેશ્વર દાદા ને વિનંતી કરીને હું આપી રહી છું। હવે કાલથી આ સાંભળ્યું તમારું, એટલે પહેલી અને છેલ્લી ગાથા 44મી એને પણ એડ કરી છે। હવે મેં વચ્ચે મેસેજ કરેલો તમને કે મારે તમારા ગ્રુપમાં જોઈન થવું છે, અને મને 4 કે 5 જ આ તમારા સેમિનાર એટેન્ડ કર્યા છે, એટલે હવે મને આગળ વધવું છે આમાં, અને ભક્તાંબર મને હવે સૂટ થઈ ગયું છે, એટલા માટે એમ થાય છે કે હવે અમે આગળ વધવું જ જોઈએ આમાં। બઉ જ મતલબ મારા સાહેબ જોડે ડિસ્કશન કર્યું, મેં કે જેવું ભક્તાંબર ચાલુ કરું મારા ઘરમાં તોફાન ચાલુ થાય છે। ચલો ઓની જેલ બધું સારું થઈ જશે શોભાબેન, ખુબ જબરજસ્ત ભક્તિ કરો, આરાધના કરો, અને ચૈત્ર મહિનામાં જબરજસ્ત કુલદેવી માની આપણે બધાએ સાથે મળી અને ઉપાસના કરવાની છે, અને નવકાર મંત્ર ની ઉપાસના થી તમારા પતિદેવ ને ભલે જે પણ પ્રોબ્લેમ છે પણ પૂર્ણ સ્વસ્થ થઈ ગયા છે, ઓકે?
અને આ 18 યંત્રના સમૂહમાંથી તમારા કામનું જે હોય એની વ્યવસ્થિત પ્રિન્ટ કઢાવી બહુ જ બધા લોકોને આગળ ફોરવર્ડ કરી વધુ ને વધુ ભક્તામાની સુગંધ આપણે બધા લહેરાવીએ. આજે જેટલા પણ લોકો ક્લાસમાં આવેલા છો બધાને કોટી કોટી પ્રણામ. વધુ ને વધુ આરાધના કરતા કરતા કાલે છેલ્લું ખૂબ પાવરફુલ જીવનની અંદર લોગસની આરાધના અને એમાં પણ છેલ્લી જે ગાથા છે, ચંદેશુ નિર્મલેરા ચેસુ અયમ ભયાસૈરા સાગરવર ગંભીરા સિદ્ધા સિદ્ધિમ મવધિ સંતુ કલાપૂર્ણ સુધીશ્વજી મહારાજા કે સાથ મેં કાફી સાલ મુજે રહેના હુઆ ये खाली चार लाइन बोलने मात्र से आपकी बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी, कैसे शुद्ध हो जाएगी. उनकी विस्तृत बातें कल बराबर 5 बजे हम वापस मिलेंगे और स्वाध्याय का शुभारंभ करेंगे. प्रणाम. जय जिनेन्द्र. देवी भक्तांबर का यंत्र भेजना गुरुजी. सबको मिल जाएगा, सबको. ठीक है, ओके. चलो चाहता में रहना. जय जिनेन्द्र प्रणाम. जय आदिनाथ. जय जिनेन्द्र प्रणाम. जय आदिनाथ.